तो उसी की आप लोग तरह सज था। धज के एकदम तैयार थे 16 श्रृंगार करके? हाँ रेडी तो था ही, सब कुछ रेडी था। बस आप जब कार्ड बांट चुके थे तो क्या कोई रिलेशन के लोग या आपके दोस्त महीम उस दिन आ गए थे क्या शादी के दिन? हाँ शादी के दिन आए थे, मेरी बहन लोग भी आई थी। आई सभी गेस्ट पहुँच गए शादी के दिन, लेकिन बराती ही नहीं आया? नहीं, सभी जगह से मम्मी ने कर्ज ले रखा। मतलब कर्ज लेकर आपके माँ आपकी शादी का तैयारी किए थे? तो ये भी बता दे, उसके बाद मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है, प्रपोज वगैरह ये सब फालतू बकवास है। अच्छा, लड़का क्या करता था जब आपका मुलाकात हुआ था उस समय? इंजीनियर है, हम बैंक में जॉब करते हैं। देखिए अभी हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं हाथ में दुल्हन मेहंदी लगाए हुए, इस लड़की का शादी 19 फरवरी को होना था और शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, पंडाल लग चुका था, घर में जो जितने भी रिलेशन के लोग थे सभी को कार्ड मिल चुका था शादी में आने के लिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 19 तारीख को जो लड़का बारात लेके आने वाला था, लड़का बारात लेकर आया ही नहीं? सारी जो बात है इन लड़की से जानने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ था, आपके शादी 19 फरवरी को होना था लेकिन बारात ही नहीं आया? हाँ मेरा 19 फरवरी को शादी होने वाला था, बारात क्यों नहीं आया इसका जवाब तो वही बताएंगे क्यों नहीं लेकर आए, हम तो नहीं कुछ बोल बता सकते हैं। अच्छा शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, क्या क्या तैयारियाँ शादी की हो चुकी थी? कपड़ा गहना सभी कुछ खरीदा गया था, जो जो शादी में जरूरी होती है वो सभी कुछ खरीदा गया था। कार्ड भी बढ़ चुके थे तो उन्होंने कोई भी रिस्पांस ही नहीं दे रहे, तो हम आप लोग को क्या बताएं। वो शादी जब फिक्स हुआ, शादी जब फिक्स हुआ होगा दोनों परिवार के राजी मर्जी से, तब ना कार्ड छपा होगा? शादी फिक्स नहीं हुआ था, ये धमकी क्या थाना में वो डर से लिखित दिए थे हमको, एक लिखित दिए थे कि मैं नेहा कुमारी से शादी करूंगा फरवरी 2024 में, अगर मैं अपनी कही बातों से मुकरता हूँ तो हमें हम पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने ये बताया था। आई मीन लिखित भी दिए थे, उनकी मम्मी भी थी। अब शादी के दिन इंतजार करते रहे कि अब बारात आएगा, अब बारात आएगा, लेकिन बारात आया ही नहीं, दूल्हेराज आया ही नहीं? नहीं आया ना, तो ना ही उनका फोन आया और ना ही कुछ रिस्पांस आया। अच्छा, तो आप लोग सज धज के एकदम तैयार थे 16 श्रृंगार करके? हम लोग तो उनसे फोन ही कर रहे थे, हाँ रेडी तो था ही, सब कुछ रेडी था, बस फोन वो नहीं उठा सिर्फ रहे, दूल्हा को आने का इंतजार हो रहा था। हाँ बस उसके बाद शादी हो जाती? हाँ लव मैरिज शादी था। अच्छा कहाँ का लड़का, कहाँ का रहने वाला था? जहानाबाद का लड़का रहने वाला है। हम लोग की मुलाकात हुई मेरी भाभी का, मेरी अपनी भाभी का चचेरा भाई हुआ। अच्छा। तो वो अपनी बहन से मिलने आए थे, तो उन्होंने हमें देखा और बात करने की भी कोशिश की, तो हमने कोई रिस्पांस नहीं दिया कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक रिस्पांस नहीं दिए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरी भाभी का एक और ये नहीं, मेरी भाभी का बुआ की बेटा, उनमें से मेरा नंबर निकाले और हमको मैसेज किया। तो हमने पूछा कौन कहाँ से बोल रहे हैं, जो भी है पूछे हम उनसे, तो उन्होंने बोला कि मैं हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं चंदन हूँ और मैं अपना आपको पसंद करने लगा हूँ बताया। तो हमने ये सभी बातों को इग्नोर कर उनको ब्लॉक मार दिया। तो उन्होंने फिर से हमसे कांटेक्ट की करने की कोशिश भी की है और कोशिश भी सक्सेस भी हो गया। हाँ सफल भी हुआ। तो उन्होंने जब कॉल किए दूसरा नंबर से, तो उन्होंने मेरी भाभी से बात किया करते थे और बोलते थे कि बात करवाओ मेरी बहन से, तो जब भी कॉल आता था तो हम भाभी को दे देते थे बात करने के लिए। यानी आपकी भाभी भी इसमें सहयोग करती थी? नहीं सहयोग नहीं, वो भी नहीं समझी। हाँ। नहीं समझती थी कि आखिर वो कॉल क्यों करते थे। तो हम उनको दे देते थे, तो वही बोले कि सिर्फ तुम बात करती हो, अपनी नन से भी बात करवाओ। तो हमें भी दी फोन, बात करवाई, तो हम भी बात की ऐसी नॉर्मल टाइप से। तो आप लोग रिलेशनशिप में भी रहे होंगे 2 साल जब आपका प्यार हुआ है? हाँ उसके बाद रहे थे। कितना दिन रहे रिलेशनशिप में? करीबन 2 साल। इस बीच आप लोग की मुलाकात होटल वोटल में होता होगा? हाँ सभी जगह हुई। अगला कदम कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके करने से पहले हम ये चाहते हैं कि वो हमसे मिले, नहीं तो वो समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो आगे की पता नहीं हम कहाँ तक जा सकते हैं। बस अच्छा, हम यही चाहते हैं वो आए और बात करें और क्या है क्या, अगर शादी करनी है तो आराम से करे शादी, नहीं तो नहीं करनी है
तो ये भी बता दे। उसके बाद मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं। आपके माता पिता का क्या रिस्पांस है, क्या कह रहे हैं? मेरे माता पिता इसमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। वो तो सीधे बोल रहे हैं कि छोड़ो ये सब मत करो। वो लड़का ये बहुत मतलब गाली टाइप से बोल रही है कि फ्रॉड है। जब वो अभी ऐसे कर रहा है तो बाद में पता नहीं क्या करेगा। अच्छा, तो पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है? नहीं। तो फिर आपका मदद कौन करेगा? भगवान ही करेंगे। मेरा मदद भगवान ही करेंगे। हाँ, हम तो सब भगवान जी पे छोड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप जब कार्ड बांट चुके थे तो क्या कोई रिलेशन के लोग या आपके दोस्त महीम उस दिन आ गए थे क्या शादी के दिन? हाँ, शादी के दिन आए थे। मेरी बहन लोग भी आई थी। सभी गेस्ट पहुँच गए शादी के दिन, लेकिन बराती ही नहीं आया। नहीं, प्यार तो हम इन पे विश्वास करके किए। जब इन्होंने बोलते थे ये मेरा नाम चंदन है, सभी जैसा मत समझना। अब आगे से और अब से जो भी प्यार का नाम ले उनको उठाओ चप्पल चपलिया दो। हाँ, तो चार चप्पल खींच दो। अगर सच में प्यार करते हो तो जाओ डायरेक्ट फैमिली से बात करो। क्या बात करो फैमिली से? फैमिली से बात करो अपना शादी का। डायरेक्ट ऐसे थोड़े बोलोगे प्यार, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। क्या होता? अगर प्यार है तो सीधे फैमिली शादी शादी के बाद प्यार करो। और अगर सच में तुम करते हो तो डायरेक्ट फैमिली से बात करो। दोस्ती भी करना है तो सीधे रिश्ते की बात करो। प्रपोज वगैरह ये सब फालतू बकवास है। अच्छा, जो आपके शादी की तैयारियां में जो खर्चा हुई, खर्चा पैसा आप कहाँ से आया? मैनेज कैसे होगा? पैसा कितना पैसा लगा? करीबन 50,000 रुपया खर्चा हो गया। हाँ, सभी जगह से मम्मी ने कर्ज ले रखी है। मतलब कर्ज लेकर आपके माँ आपकी शादी का तैयारी किए थे? कानून के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। बोलिए ना, बोलने से डर क्या रहे? थाना में लिख कर बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम पे जोर जबरदस्ती है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो आपके पास उसका फोटो वगैरह है? हाँ, फोटोज वगैरह सभी चीज है मेरे पास। हाँ, सभी चीज है। अच्छा, आपकी उम्र क्या हो रही है? आप देखने में तो बच्चा लग रहे हैं, नाबालिग लग रहे हैं। 24। हाँ, कैसे विश्वास कर ले? आधार कार्ड है आपका? अच्छा, आपको इस बीच में कभी आशंका नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा अनुभव कि शायद लड़का हमारे साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉडगिरी कर रहा है? हमने फोन किया था तो हमें लगा भी था, इसलिए हमने। अच्छा, तो अब गांव घर के लोग क्या कह रहे हैं? आप क्या कर रहे? पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हुई, क्या हुआ? गांव घर के लोग को तो हम। अच्छा, देखा जाता है कि शादी होने से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में शादी भी हो जाता है बंद कमरे में, ऐसा भी हुआ था क्या कभी आपके साथ? शादी हुआ किया है क्या? सिंदूर डाला है कभी? नहीं, ऐसा नहीं किया है कभी। तो अब आगे का क्या प्लान है? कैसे अब आगे क्या शादी कीजिएगा? किससे शादी कीजिएगा आगे? शादी तो हम उन्हीं से करेंगे, चाहे जो करना। वो तो करने के लिए तैयार नहीं है, कह रहा है कि हम उसको जानते ही नहीं है। नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे। वो कहता है कि हम जानते ही नहीं उस लड़की को। ठीक है, नहीं जानते हैं तो प्रूफ कहाँ से आ गया जब नहीं जानते हैं? फोन करके तो मना करता है। जब फोन किया गया मीडिया वाले, फोन करने से मना करने से क्या होगा उनको? उनका सारा डिटेल जबकि मेरे पास है ही, तो वो कुछ भी ऐसे भी मुंह उठा के बोल देंगे तो ऐसे थोड़े होगा। कुछ प्रूफ तो भी रहना चाहिए कि नहीं जानते हैं तुमको, चाहे तुम हमको फंसा रही हो। एडिट वगैरह कुछ भी मैसेज एडिट किए हैं कि फोटो एडिट किए हैं, ये तो कह रहा है कि मैसेज फोटो सब एडिटिंग किया हुआ है, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जब हम फंसाने का प्रयास कर रहे हैं तो सामने आके ना समझोगे क्या है क्या नहीं। जो भी प्रॉब्लम है ठीक है, हम उनको फंसा ही रहे हैं, चलिए मान के चलते हैं। तो आकर सामने से बात करेंगे ना कि तुम हमको फंसा रही हो, लड़ेंगे ना कि ऐसे अपना मुंह छुपाएंगे। अच्छा, लड़का क्या करता था जब आपका मुलाकात हुआ था उस समय? इंजीनियर है। कहाँ पर? पटना में है, राजेंद्र नगर, मगध इंस्टीट्यूट। आप क्या करते थे? हम बैंक में जॉब करते हैं। उसे शादी करने का जो आपका फैसला था वो शायद गलत था? गलत नहीं था मेरा फैसला, शादी करने का फैसला हम सही ही लिए थे। हाँ, बस वो गलत कर रहा है मेरे साथ, बोल कर लिखित देकर नहीं कर रहे, जबकि सारा एविडेंस मेरे पास है। जो लड़के अगर आपके जो बॉयफ्रेंड देख रहा वीडियो तो क्या कहेगा उसको? क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज आप जहाँ कहीं भी हो आ जाइए। हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे थे, अभी इनके हाथ में दुल्हन मेहंदी लगा हुआ है और 19 फरवरी को इनका शादी होना था, सारा तैयारियां हो चुका था, पूरे रिलेशन में कार्ड बंट चुका था, शॉपिंग हो चुका था, टेंट लग चुका था, दुल्हन बन के इंतजार कर रही थी कि दूल्हे राजा आएंगे और शादी होगा, उसके बाद अपना नया जीवन बसाएंगे। लेकिन दूल्हे राजा जो है बारात लेकर के आते ही नहीं है।